आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजियों को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। सदन में योगी ने उड़ाया अखिलेश का मजाक, हंसने लगे शिवपाल। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई देखना तो आम बात हो गई है, लेकिन इस बार यूपी के विधानसभा में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार यूपी की विधानसभा में लड़ाई की कम और हंसी की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली चीजें हुई। सीएम योगी ने अखिलेश का मजाक उड़ा दिया, जिस पर शिवपाल यादव भी हंस पड़े। जी हाँ, चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश की बेइज्जती पर हंस दिया। जो मेरे ही साथ आ जाए। दरअसल यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक जारी रही। पहले अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सवाल भी उठाए। बिजली है, बिजली की हालत क्या है, क्या हालत है बिजली की? क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय? इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है, अध्यक्ष महोदय मंत्री जी दोषी नहीं है, वो तो अभी बने मंत्री जी। नेता सदन कितने दिन से आप मुख्यमंत्री हैं? 6.5 साल से ज्यादा हो गए। आपने बिजली विभाग का क्या सत्यानाश किया है? इसके बाद बारी आई सीएम योगी की, और जब सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो पूरा सदन हंसी से गूंज उठा। हुआ कुछ यूं कि क्रय केंद्र मुद्दा चल रहा था, इस पर सीएम योगी के भाषण के बीच शिवपाल ने बताया कि क्रय केंद्र पर जितना निराधान किया जाता था, हमने अपने समय में 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा करा दिया था, किसान सीधा मंडी में चला जाता था। इसी क्रय केंद्र के मुद्दे पर शिवपाल यादव के गणित की चर्चा पर सीएम योगी ने अखिलेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, शिवपाल जी आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता तो कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो जाता, लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजियों को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता, लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। बात यही नहीं रुकती है, इसके बाद अपने भतीजे की इस बेइज्जती पर शिवपाल हंसते भी हैं और जवाब भी देते हैं। इस मजाक पर शिवपाल कहते हैं, इंजीनियर हो गए हैं, फिर मुख्यमंत्री हो गए, और हंसते हुए बैठ जाते हैं। इस पर अखिलेश यादव भी उठते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, मुख्यमंत्री की भी पढ़ाई करा लेनी चाहिए। फिर अखिलेश सीएम योगी की तरफ देखकर बोलते हैं, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा लेनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं नहीं ठीक है। क्यों जिस तरह से इस बार यूपी विधानसभा में केवल ठहाकों की गूंज सुनाई दी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी को पहली बार इतना हंसते हुए देखा गया। वैसे सीएम योगी को शिवपाल ने भी खूब हंसाया, जब वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव बोल रहे थे उसी समय किसी सदस्य की आवाज आई, आप इधर आ जाइए। इसके जवाब में शिवपाल ने जो कहा उसको सुन योगी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शिवपाल ने राजभर की तरफ देखते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं तो मेरे ही साथ आ जाएंगे। इस पर योगी खूब हंसे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए, आप तो हम समान करते हैं, साथी को जल्दी जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाएंगे। फिलहाल योगी ने जिस तरह से अखिलेश का मजाक उड़ाया और उस पर शिवपाल भी हंस पड़े, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते एक बार आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। 12 से 17 के बीच में आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूँ। चलिए आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था, और परिणाम क्या है आप देख लीजिए।
12 से 17 के बीच में हम मानते हैं। जितना आपका क्रैक इन पर निर्धारण किया जाता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने MSP। कभी क्रैक केंद्र पर जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे। आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं नहीं ठीक है, गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94,00,000 मीट्रिक टन हुई थी, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। ये भुगतान नगद किया गया था, इसमें DBT भी नहीं अपनाया गया था, क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है। 94,00,000 मीट्रिक टन की बजाय 225,00,000 मीट्रिक टन खरीदा जाता है, और 41,299 करोड़ रुपए का DBT के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। धान क्रय 14,87,000 किसानों से 12 से 17 के बीच में खरीदा गया, नोट करें। हाँ तो इसीलिए तो आपके चौदह लाख 87,000 किसानों से धान खरीदा गया 12 से 17 के बीच में, और 17 से 23 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा 123,00,000 मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट होता है आपके समय, और 345,00,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट होता है हमारे समय में। 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान आप करते हैं, और 63,936 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया है।